तो हेलो गाइस, आज हमारे पास है निसान की किक्स, जो इसका XP 1.5 नॉन टर्बो वाला वेरिएंट है इसका। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में रिव्यू करेंगे, इस पर आपको क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको इसका की दिखाना चाहता हूँ। तो इस पर आपको ऐसा कुछ करके फिजिकल की देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको लॉक और अनलॉक का जो बटन है वही आपको सिर्फ मिलता है। इस पर आपको कोई फॉलो मी हेडलैम्प हो गया या फिर टेल गेट का आपको ऑप्शन नहीं मिलता। तो पहले हम शुरू करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको ऐसा कुछ करके हेडलाइट का आपको जो डिज़ाइन है वो मिलता है, दोनों ही आपको हैलोजन में मिलेंगे। और यहाँ पे ये है इसका इंडिकेटर, और नीचे आपको ऐसा कुछ करके फॉग लैंप का जो डिज़ाइन है वो आपको ज़रूर से मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो टोइंग हुक है वो आपको देखने को मिलता है, और बीच पे आपको बड़ा सा एक निशान का लोगो देखने को मिलता है, और ये है इसका ग्रिल। और सामने आपको एक क्रोम का ऐसा कुछ करके एक डिज़ाइन मिलता है जो यू शेप में है। तो ऐसा करके इसका फ्रंट का पूरा लुक है। तो अगर साइड से आपको मैं दिखाऊं तो इस कार की पूरी डायमेंशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और यह है इसके वाइपर्स, यहाँ से यह है स्प्रे। तो ऐसा कुछ करके इसका डिज़ाइन है। अगर हम फ्रंट व्हील की बात करें तो यहाँ पर आपको 17 इंच की अलॉय व्हील देखने को मिलती है। सामने आपको डिस्क ब्रेक, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाता है। तो अब हम कार को ऑन कर लेते हैं, तो अंदर से बात करते हैं कि इस पर आपको कैसा कुछ करके फीचर्स मिलते हैं। तो कार अनलॉक हो चुकी है। तो फ्रंट डोर की बात करें तो ऐसा कुछ करके आपको एक डिज़ाइन मिलता है, जहाँ पे आपको ये ORBM कंट्रोल्स, ये विंडो कंट्रोल्स पावर विंडो के, और ये आपको जो पीछे वाले डोर के जो एक्सेस है वो आप लॉक कर सकते हो यहीं से। और यहाँ पर आपको फेब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है, हार्ड प्लास्टिक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और नीचे आपको ये स्पीकर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको 1 लीटर की बॉटल स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। सामने की सीट आपको 6-way एडजस्टेबल मिलता है, जो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 2 हेडरेस्ट, और पीछे भी आपको 2 हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है। तो पीछे से बात करेंगे आप पहले, तो पीछे का दरवाजे का लुक कुछ ऐसा है। और यहाँ पे जो मैं आपको बताया था कि बीच पे आपको एक आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको बीच पे 2 कप होल्डर्स भी मिल जाता है। और सभी सीटों के लिए आपको सीट बेल्ट, 3-point सीट बेल्ट आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ देखें तो आपको कुछ ऐसा मिलता है, बीच पे आपको रीडिंग लाइट्स मिल जाती है, जो कि एक सामने है और यहाँ पर एक बीच पे है। तो पीछे कुछ ऐसा करके इसका डिज़ाइन है। तो अगर फ्रंट सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा करके फ्रंट सीट आपको देखने को मिलता है, जिसका अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत ही अच्छा है। मेरा हाइट 5'9" है, तो उसके हिसाब से तो बहुत ही कंफर्टेबल है। तो आपको ऐसा कुछ करके स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जहाँ पे आपको इस वाले वेरिएंट पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको बीच पे एक इंफोटेनमेंट सिस्टम ज़रूर से मिल जाता है। और यहाँ पे आपको टॉगल्स बटन भी मिलेंगे, नीचे आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के बटन्स मिलेंगे, ये हज़ार्ड लाइट, और यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का बटन, और ये है इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, और नीचे है तो ये रहा इसका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, और ये है इसका हैंड ब्रेक, जो ऐसा कुछ करके जो टिपिकल चली आ रही है वैसे ही आपको हैंड ब्रेक मिलता है। बीच पे आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है, जो शायद से ओपन नहीं होता है। और सामने का जो लुक है वो आप लोग एक बार ले लीजिए। तो एक बार हम इंस्ट्रूमेंट कंसोल को ऑन करके देखते हैं कि इस पे आपको, तो ऐसा करके इसका होल्डर है, तो ऐसा कुछ करके आपको बीच पे ये देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको RPM और यहाँ पे स्पीडोमीटर, और बीच पे आपको डिजिटली भी आपको ये स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे निसान कनेक्ट का जो ये मल्टीमीडिया सिस्टम है वो आपको देखने को मिल जाता है। इस पे आपको ऑक्स, USB, ब्लूटूथ, FM, AM आपको यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाता है। बीच पे आपको ये AC वेंट्स, ऐसा कुछ रहे गोल, और इसके जो ट्विटर की प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फ्रंट का जो डैशबोर्ड है वो बहुत ही प्रैक्टिकल मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग कुछ स्टफ भी रख सकते हो। यहाँ पे आपको SRS एयरबैग का बैजिंग मिल जाता है, और यह है इसका सामने का पूरा लुक। ऊपर की बात करें तो यहाँ पे सन विजर पे आपको ग्लास मिलता है, आपको लाइट नहीं मिलता। और को ड्राइवर साइड की बात करें तो यहाँ पे भी आपको अच्छी बात यह है कि आपको मिरर मिलता है, लेकिन लाइट इस तरफ भी नहीं मिलेगा।
और ये रहा इसका माइक, यहाँ पे आपको ये रीडिंग लाइट की ऑन ऑफ स्विच मिल जाती है, और ये इसका जो वार्निंग शाइन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ऐसा कुछ शायद ये वाला जो था ये शायद टॉप मॉडल पे जो इसका सन ग्लास होल्डर मिलता होगा, लेकिन यहाँ पे एक खाली सा जगह आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये मैन्युअली एडजस्टेबल IRVM देखने को मिल जाता है। तो ऐसा कुछ करके आपको पूरा एक निशान का मैंने जो ओवर रिव्यू है कि किसका वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।